वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा किचन। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ करी की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसके लिए हमने सबसे पहले पकौड़े बनाने के लिए एक कटोरे में बेसन ले लिया है। उसमें हम डालेंगे हल्दी, उसके बाद डालेंगे हम इसमें नमक। नमक का आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा रखें, क्योंकि करी में भी नमक डाला जाता है। और साथ ही हम डालेंगे इसमें मीठा सोडा, ताकि हमारे पकौड़े फूल ले। गाइस, उस साइड हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे तेल। तेल हमने डाल दिया है, तेल उस साइड गर्म हो रहा है, तब तक हम पकौड़े बनाने की तैयारी करेंगे। हम इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें, वरना एक साथ पानी डालेंगे तो आपको का बैटर पतला हो सकता है। इसे आपको थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। गाइस, हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम पकौड़े डालेंगे छोटे छोटे। आप चाहें तो थोड़े बड़े पकौड़े भी बना सकते हैं। कढ़ाई में हमने सारे पकौड़े डाल दिए हैं, अब इन पकौड़ों को 2 मिनट तक एक साथ पकने देंगे। गाइस, हमारे सारे पकौड़े एक साइड से हो गए हैं, अब इसे हम दूसरी साइड से पकने देंगे। हमारे सभी पकौड़े हो चुके हैं, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। और सभी पकौड़ों को प्लेट में निकाल लिया है। अब हम गाइस, अब हम डालेंगे इसमें प्याज का तड़का, और साथ में डालेंगे इसमें मिर्ची का भी तड़का। इस तरीके को 2 मिनट के लिए पकने देंगे, तो डालेंगे फिर करी। हमने प्याज मिर्ची के साथ जीरे का भी तड़का लगाया है, हम इस तरीके को 2 मिनट के लिए पकने देंगे। गाइस, अब हम करी का बैटर तैयार करेंगे, इसके लिए हमने पानी में मतलब कटोरे में बेसन को डाल दिया है, उसमें हम डालेंगे पानी। गाइस, ये देखिए हमारे पकौड़े कितने स्पंजी बने हैं, ये देखिए कितने मुलायम है। इसे बुजुर्ग भी खा सकते हैं, बुजुर्ग बच्चे सबको पसंद आएंगे इसे पकौड़े। और ये देखिए गाइस, हमारा करी का बैटर रेडी हो रहा है। गाइस, हमारी करी का बैटर रेडी हो चुका है, अब इसे हम डालेंगे कढ़ाई में। हमने बैटर डाल दिया कढ़ाई में, अब हम तड़के के साथ इसे मिक्स करेंगे। गाइस, अब हम डालेंगे करी में हल्दी, हमने तड़के के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हल्दी हम थोड़े से कलर के लिए डालेंगे, हल्दी डाल दी है। अब इसमें डालेंगे नमक, नमक आप थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि हमने पकौड़े में भी नमक डाला था। थोड़े करी को अच्छे से मिक्स कर दिया, करी को एक उबाल आ रहे तक पकने देंगे, उसके बाद डाल देंगे इसमें पकौड़े। हम पकौड़े में छेद करेंगे फोक से, इससे ये होगा कि पकौड़े के अंदर अच्छे से करी घुल जाएगी। अब हम डालेंगे पकौड़ों को करी में और अच्छे से एक साथ मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए पकने देंगे।